नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मोबाइल न्यायालय। जी हाँ साथियों, आपने न्यायालय देखा है, लेबर कोर्ट दुबई की बात करेंगे। क्या मोबाइल न्यायालय आपने देखा है? जी हाँ साथियों, जो न्यायालय एक ऐसा न्यायालय होता है जो आपके रूम तक पहुंच जाता है, जहां आप रह रहे वहां तक पहुंच जाता है, कंपनी में पहुंच जाता है, फिर आपको सैलरी दिलवाता है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे दुबई वेज। जी हाँ साथियों, उससे रिलेटेड बात करेंगे। पिछली मैं बता दूँ, लगभग 23,000, जी हाँ साथियों, 23,000 ऐसे लोग थे जो अनपेड सैलरी पे थे, जो बैठे थे, उनको मोबाइल न्यायालय ने अपनी पहल करते हुए बीच में मतलब आकर मध्यस्थता के समझाइश से करके लगभग 10 लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी इन लोगों को दिलवाई है। जी हाँ साथियों, पूरी और भी मैं बातें बताऊंगा आपको। फरवरी महीने में 2020 की बात कर रहा हूँ, एक खान फान नाम कोई कंपनी थी, उसमें मोबाइल जो न्यायालय ने बीच में मध्यस्थता करके बता दूँ 800 से अधिक मजदूरों को, वर्करों को मोबाइल कोर्ट के हस्तक्षेप से अवैतनिक यानी अनपेड लीव सैलरी पे थे, यानी सैलरी नहीं मिल रही थी फिर भी बैठे थे, उनको 26 मिलियन से ज्यादा सैलरी उनको दिलवाई गई कंपनी के माध्यम से। जी हां सर, उस मैटर को आराम से कंपनी के बीच में पढ़ के सुलझा भी दिया गया। ये एक अधिकारियों के द्वारा होता है, परिश्रमिक मानव संसाधन मंत्रालय और मोहरे के बीच में एक समन्वय करके। इसमें सैलरी वाले कौन होते हैं? वेटर, रसोया, शासक, ड्राइवर, श्रमिक वगैरह होते हैं जो बिना सैलरी के महीनों कंपनी में बैठे रहे। जी हाँ, इनका लोगों का सहयोग किया इनके माध्यम से। कंपनी की मजबूरी थी भी, कंपनी के पास पैसा नहीं था, लोग ये जो COVID-19 की वजह से कंपनी की वित्तीय हालत खराब हो चुकी थी। अदालत के आंकड़ों के अनुसार बता दूं मैं, जनवरी 2019 से लेके जी हां जून 2020 तक लगभग 53,000 लोगों को, जी हां साथियों, 53,000 श्रमिकों को, दुबई वेई के श्रमिकों को 577 मिलियन पेड सैलरी दिलवाई गई। जी हां, समझ रहे हो आपको, 53,000 लोगों को 577 मिलियन। भाई देख लेना, 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं, 10 लाख दुबई दराम की बात कर रहा हूं मैं। 577 मिलियन सैलरी मोबाइल न्यायालय द्वारा दिलवाया गया। ये पिछले कुछ वर्षों से लागू हुआ है। जी हां साथियों, आसान तरीके से श्रम विवाद का निपटारा करती है नियुक्ता और नियुक्ता के बीच में, यानी कंपनी और वर्करों के बीच में केस वगैरह करना, इन झंझटों को दूर रखे समझाइश से मामला सुलझाने का काम करती है। कोर्ट इन उपायों के मामले में 2018 में, जी हाँ, अबू धाबी में स्थित एक दिवसीय अदालत और मोबाइल अदालत तो दोनों मिलके नियुक्ता और नियुक्ता के बीच में कॉम्प्रोमाइज करके सैलरी दिलवाने का काम करती है। अदालत ऐसी है कि नियुक्ताओं के समस्याओं का दोनों का समझौता कराने के लिए कंपनी के अंदर और जो वर्कर है उनके मकानों तक, उनके घर तक पहुंच जाती है, उनके श्रमिकों के आवास का भी दौरा करती है, रियल स्थिति समझने के लिए, रियल माजरा क्या है। ये जानकारी आप लोगों के साथ इसलिए जरूरी है भाई, आपके साथ भी अगर सैलरी से रिलेटेड है तो आप दुबई में इन चीजों का पता करके इनके माध्यम से अपनी सैलरी का सेटिंग करने का जुगाड़ बिठा सकते हैं। जी हाँ, ये रियल है, आप अपने स्तर पे पता कर सकते हैं। आज की जानकारी बस यही थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही, दुबई से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।